प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि इंदौर में G20 की कृषि क्षेत्र की उन्नति और भविष्य की संभावनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए 3 दिवसीय बैठक के मंथन से किसानों के लिए अमृत निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, मेरा मानना है कि कृषि क्षेत्र को लेकर 3 दिवसीय मंथन से किसानों के लिए अमृत निकलेगा। पटेल ने कहा, मैं G20 की बैठक में आए सभी प्रतिनिधियों का कृषि प्रधान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 8.5 करोड़ जनता के साथ किसानों की ओर से स्वागत करता हूं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा, कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे आ रहा है, लगातार 20% कृषि विकास दर प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस बैठक से किसानों की आय दुगनी करने की प्रधानमंत्री मोदी की मंशा को आत्मबल मिलेगा। साथ ही किसान अपनी फसल MSP पर बेचते थे, वे अब MRP पर बेचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देश का किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्धशाली और आत्मनिर्भर होगा। आज से इंदौर में G20 कृषि क्षेत्र के उन्नति के लिए, कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को और किसानों की खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोगुना करने के लिए G20 की 3 दिवसीय बैठकें इंदौर में होने जा रही है, जिसका उद्घाटन, प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के कर कमलों से होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की बैठक जो इंदौर में कृषि क्षेत्र की 3 दिवसीय हो रही है, उसके लिए आप सभी भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और 8.5 करोड़ जनता और किसानों की ओर से, और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।